नमस्ते दोस्तों, आजकल स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत एक्साइटमेंट है। मार्स रोवर्स से मिलने वाली अनबिलीवेबल फोटो से लेकर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो यूनिवर्स के पास्ट में झांक रहा है, नई डिस्कवरीज हर समय हो रही हैं। और आर्टेमिस आई मिशन के साथ हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में अगला बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या हम वाकई मार्स पे रह सकते हैं? क्या ये लाल ग्रह, जिसे कभी एक सूखा रेगिस्तान माना जाता था, क्या सचमुच हमारा अगला घर बन सकता है? क्या हम मार्स पे सरवाइव कर सकते हैं, इसकी तुलना अर्थ से करनी होगी। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। अर्थ पर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्स सांस लेते हैं, मार्स इतना नहीं, उनका एटमॉस्फेयर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर टेम्परेचर है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अच्छा है, मार्स फिर से सोचो -81 डिग्री फारेनहाइट। और वाटर, अर्थ की सतह 70% पानी से ढकी है, मार्स ज्यादातर सूखा। मार्स और अर्थ अलग अलग सोलर सिस्टम्स के दो पीस जैसे हैं, यही मार्स कॉलोनाइजेशन को एक्साइटिंग बनाता है। चलो उस हवा के बारे में बात करते हैं जो हम सांस लेते हैं, या यूं कहें कि वो हवा जो हम मार्स पे सांस नहीं ले सकते। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 100 टाइम्स पतला है, और ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हम ह्यूमंस के लिए ये एक बड़ा नो-नो है। मार्शियन एयर में सांस लेना बिना स्कूबा गियर के पानी के भीतर सांस लेने जैसा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब आपने शायद सुना होगा कि मार्स पे आइस है, और यह सच है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आइस कैप्स हमारे यहां अर्थ पर है। मार्स चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना पसंद करता है। इसके आइस कैप्स वाटर आइस और फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। लेकिन जब बात लाइफ को सपोर्ट करने की आती है तो वाटर आइस ही मायने रखता है। हम इसे पिघला सकते हैं, पी सकते हैं, और इसका उपयोग क्रॉप्स उगाने के लिए कर सकते हैं। अर्थ पर सबसे ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स के बारे में सोचें। हरे भरे रेन फॉरेस्ट, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, चमचमाते हुए ओशंस। अब एक ऐसे प्लैनेट की कल्पना करें जो लाल धूल और चट्टानों से ढका हो, वो है आपके लिए मार्स। इसकी सतह प्राचीन है, जो इंपैक्ट क्रेटर्स से भरी हुई है और डस्ट स्टॉर्म से घिरी हुई है। तो अगर हमें मार्स पर खाना उगाना है तो हमें क्रिएटिव बनना होगा। यहां अर्थ पर हमारे पास एक चांद है, एक लॉयल कंपेनियन जो हमारे रात के आकाश को रोशन करता है और टाइड्स को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ मार्स दो मून्स के साथ चीजों को इंटरेस्टिंग रखना पसंद करता है, फोबोस और डीमोस। अब ये हमारे अपने जैसे बड़े सुंदर चांद नहीं है, ये ज्यादा जायंट स्पेस पोटेटोज की तरह हैं, आकार में लंपी और इरेगुलर। दोनों में से बड़ा फोबोस वास्तव में समय के साथ मार्स के करीब आ रहा है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि लगभग 50 मिलियन सालों में यह या तो टूट जाएगा या प्लैनेट से टकरा जाएगा, जिससे एक शानदार रिंग सिस्टम का निर्माण होगा। हालांकि ये चांद देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में भविष्य के मार्शियन एक्सप्लोरर्स के काम आ सकते हैं। ये संभावित आउटपोस्ट्स या माइनिंग साइट्स के रूप में काम कर सकते हैं, जो मार्शियन सिस्टम की फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए संसाधन और एक बेस प्रदान करते हैं। हम यहां अर्थ पर ठंड के दिनों की शिकायत करते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानो दोस्तों, आपने तब तक ठंड का अनुभव नहीं किया है जब तक आपने मार्शियन विंटर का अनुभव नहीं किया है। मार्स पर औसत तापमान -81 डिग्री फारेनहाइट है, सर्दियों में तापमान -220 डिग्री फारेनहाइट तक गिर सकता है। मार्स कुछ बहुत ही तेज हीट वेव्स का भी अनुभव करता है, गर्मियों में भूमध्य रेखा पर तापमान 70 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंच सकता है, यह लगभग 300 डिग्री का स्विंग है। यहां अर्थ पर हम 24 घंटे के दिन के आदि हैं, काम करने के लिए 24 घंटे, खेलने के लिए 24 घंटे, सोने के लिए 24 घंटे, और फिर हम इसे फिर से दोहराते हैं। लेकिन मार्स पर दिन थोड़ा लंबा होता है, जो 24 घंटे और 37 मिनट का होता है। अब आप सोच सकते हैं कि अतिरिक्त 37 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में सोचो, समय के साथ वह अतिरिक्त समय जुड़ जाता है। कल्पना कीजिए कि आपकी इंटरनल क्लॉक लगातार ऑफ हो रही है, आपका स्लीप साइकिल बाधित हो रहा है, यह परपेचुअल जेट लैग होने जैसा है। बेशक हम इंसान एक एडेप्टेबल प्रजाति हैं, हम शायद अंततः मार्शियन दिन के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन यह उन क्वर्की छोटे अंतरों में से एक है जिसके हमें अभ्यस्त होने की आवश्यकता होगी यदि हम मार्स को अपना दूसरा घर बनाने की योजना बनाते हैं। तो हमने पतले एटमोस्फियर, एक्सट्रीम टेम्परेचर, लिक्विड वाटर की कमी और धूल भरी
चट्टानी सतह के बारे में बात की है। यह स्पष्ट है कि मार्स पर रहना वॉक इन द पार्क नहीं होगा, यह ह्यूमन इंजेन्यूटी और रेजिलियंस का अल्टीमेट टेस्ट होगा। लेकिन इन चुनौतियों के बीच अविश्वसनीय अवसर हैं। एक पायोनियर होने की कल्पना करें, एक नई दुनिया में ट्रेल ब्लेजर, खोज के रोमांच की कल्पना करें, सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने की संतुष्टि। मार्स पर रहने के लिए हमें सर्वाइवल के बारे में अपने सारे ज्ञान पर रीथिंक करना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाना होगा। यह हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल और इनोवेटिव प्रजाति बनने के लिए मजबूर करेगा। पानी, पानी हर जगह, लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। मार्स की यही स्थिति है, कम से कम सरफेस पर तो यही है। हालांकि इस बात के काफी सारे प्रमाण हैं कि लिक्विड वाटर कभी रेड प्लैनेट पर स्वतंत्र रूप से बहता था, आज यह ज्यादातर आइस के रूप में बंद है, जो सरफेस के नीचे छिपा हुआ है या पोलर आइस कैप्स के भीतर ट्रैप्ड है। तो ये कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि हम मार्स पर भी ऐसा ही कर सकते हैं। हम आइस को पिघला सकते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर निकाल सकते हैं, या अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में भी टैप कर सकते हैं। यह इसे यूजेबल बनाने के बारे में है। हमें इसे प्यूरिफाई करना होगा, किसी भी हार्मफुल कंटेमिनेंट्स को दूर करना होगा। इसकी कल्पना करो, आप मार्स की सरफेस पर खड़े हैं, ऊपर बटरस्कॉच के रंग के आकाश को देख रहे हैं। लाल धूल से ऊपर उठता हुआ आपका नया घर है, एक मार्शन हैबिटेट। लेकिन मार्स पर निर्माण करना आसान नहीं है, हमें मार्शन सॉइल, रॉक्स और आइस का उपयोग करना होगा। ऐसी संरचनाएं बनानी होंगी जो हार्श एनवायरनमेंट का सामना कर सकें, जो ऑक्सीजन और पानी से लेकर भोजन और आश्रय तक सब कुछ प्रदान करें। तो क्या हम मार्स पर रह सकते हैं? चुनौतियां अनडिनायबल हैं, पतला एटमॉस्फेयर, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, आसानी से सुलभ पानी की कमी। यह एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, कम से कम कहें तो। लेकिन हम इंसानों में ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की नैक होती है। हमने माउंटेन्स को कॉन्कर किया है, ओशन की गहराई का पता लगाया है, और यहां तक कि स्पेस में भी कदम रखा है। एक्सप्लोरेशन की भावना हमारे डीएनए में है। मार्स पर रहना आसान नहीं होगा, लेकिन यह ऐसा एडवेंचर होगा जो किसी और जैसा नहीं होगा। यह हमें अपनी लिमिट्स तक धकेल देगा, हमें इनोवेट करने के लिए मजबूर करेगा, और अंततः हमें एक स्ट्रॉन्गर और ज्यादा रेजिलिएंट प्रजाति बनाएगा। भविष्य वहां है, बस लिखे जाने का इंतजार है। और कौन जानता है, हो सकता है कि एक दिन हम मार्स को अपना घर कहें। टेक का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।